रविवार को दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स में बोइंग विमान कंपनी के सहयोग से बन रहे कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एम्स की डायरेक्टर एवं डिप्टी डायरेक्टर अश्वनी कुमार माहौर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एम्स में ऑक्सीजन के लिए की गई तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को बताया कि एम्स परिसर में जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि जल्द से जल्द प्लांट लगाया जाए, जिससे कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा सके। इस मौके पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि एम्स में कोविड अस्पताल बनाने के लिए प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं मुख्यमंत्री जी को कोटि-कोटि धन्यवाद है। साथ ही सदर सांसद रवि किशन ने बताया कि एम्स में अभी 35 बेड का अस्पताल तैयार है, जो शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराज जी ने 500 बेड का अस्पताल बनाने के लिए आदेश दे दिया है, जहां पर कोरोना वायरस पीड़ित मरीजों का इलाज किया जाएगा। सांसद रवि किशन ने कहा कि ये बहुत बड़ी राहत की खबर है कि पूर्वांचल में एम्स में अब कोविड के पेशेंट को भी इलाज मिलेगा। इस मौके पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेखा किशोर, एम्स के डिप्टी डायरेक्टर अश्वनी माहौर और प्रोफेसर सहित अन्य डॉक्टर एवं प्रशासनिक अधिकारियों सहित मंडलायुक्त जयंत नलिकर, डीआईजी रेंज गोरखपुर डॉक्टर प्रतिंदर सिंह, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने बताया। बिल्डिंग खाली है जो कौन सी बिल्डिंग है वो इसी के अधिकारी का ठीक है सर। दो मंजिल है सर। कितने बेडेड है टोटल सर? 200 पॉइंट 300 पॉइंट है। 300 पॉइंट है ना सर। हम सर तो आप 200 से शुरू कर सकते हैं। उसको 200 नहीं 300 का करिए सर। मैन पावर देगा कुछ, मैन पावर इनका देते हैं कुछ, आप लोग उसमें एडिशनल दीजिए उसको प्रारंभ करिए। और यहाँ पर लगा देंगे तो सही है। इंडिया ग्राउंड पर पूरा हम लोग रेडी
कितने बेड लाएंगे? ये पूरा 100 से ऊपर, ये सेकंड फ्लोर है और ऐसा ही सेम एरिया थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर में सर एडिशनल ये आगे है, ये भी एरिया है हमारे पास में, और यहाँ पर एक NICU का एरिया है और ये एडमिन एरिया है, तो ये भी हमको पूरा मिल जाता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 150 से ऊपर यानी 200 तक भी हम लोग जा सकते हैं वही के लिए, तो वो थर्ड फ्लोर हम उसको वही को दे देते हैं, तो वो यहाँ शुरू करें। मैं आपको ये सब कभी दिखा देता हूँ, ये पूरा एरिया सेम ये मैं आपको दिखा, तो ये पूरा हॉल ही है, तो बड़ा इसमें कोई। आप एम्स की तरफ से कितना चला रहे हैं? हम लोग तक करेंगे सर 200 तो हमारा जी, हम लोग 10-15 डेज के अंदर और उसके ऑक्सीजन का कितना बैकअप है आपके पास? ऑक्सीजन की क्या स्थिति है? ऑक्सीजन का यहाँ पे आपको एलम नहीं है, सेपरेटर यूनिट या कोई सिलेंडर 200 सिलेंडर एक अलग एजेंसी का दे रखे हैं सर इन लोगों ने, एक वो सर 15 तक सर एक इम्पोर्ट कर रहा हो जर्मन से आ रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। बाकी अंदर का सर मैनिफोल्ड से हम सिलेंडर से चला सकते हैं। सवाल ये है कि यहाँ पे जो HFNC या वेंटिलेटर लगेंगे वो कैसे सिलेंडर से थोड़ा चलता है? इसको क्रायोजेनिक टैंक लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएं, कहाँ पे लगेगा, उसके लिए कोई जगह है? उसका एक एजेंसी है सर, है सर वो तय जगह पे, जगह तो है सर लेकिन वो टाइम लगा, ऑर्डर भी गया हुआ। और ये सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन सप्लाई LMO हम उनको कराएंगे। अच्छी बात है, प्लांट लगाने के लिए प्लांट अगर हुआ US से या कहीं से लेके आ सकते हैं तो उसको मंगवा लें या यहाँ पर फिर करेंगे। हम उनको जितनी भी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी हम उनको उपलब्ध करवा देंगे। इन चीज़ों के साथ उनके साथ आज बातचीत करके सर फिर वो कंफर्म कर लेंगे, यदि वो दे देते हैं तो ये चीज़ें सर। लेकिन तब तक कम से कम हम आइसोलेशन में ऑक्सीजन युक्त बेड्स उपलब्ध करवा करके लोगों को दें, नॉन सीरियस है इसमें, ठीक है ना, उस प्रकार के लोगों को काफ़ी रिलीफ हो सकता है। इन चीज़ों को देखना चाहिए। और रेट कम करिए, किधर से चलना है? जो लोग हैं ना ये लोग दिखवा देंगे, आप लोग केवल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में रहिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में रह करके ये लोग बाकी चीज़ें अपना करेंगे। ये इनका भी काम चल रहा है, कब तक कंप्लीट कर देंगे? ये 10 दिन कर बहुत लंबा थर्ड फ्लोर को थोड़ा जल्दी करा, अपने स्तर पर करेगा सर। सेम एरिया थर्ड फ्लोर के माध्यम से हमें थर्ड वाला फ्लोर में पूरा एक जैसे ही है, एक जैसे हैं सर। ये अभी ऑक्सीजन का टैबलेट तो हो गया सर, बस केवल वो सिस्टम के आगे का सारे तक 305 का मैडम कर सकते हैं सर। हाँ अभी फिलहाल सर जो नीचे से सोचो करके शुरू कर लेते हैं सर। आप उसको तत्काल करिए सर, वो जो है बनाना कर रहे हो बताया महाराज जी। बोलेंगे जी। बात क्या रहे ना, कैसे
बताओ जी, सिंगल एक मिल सकता था प्लम्बर आ जी? धन्यवाद दूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, हमारे पूज्य महाराज जी को कि इस बात पर तवज्जो दिया, केंद्र सरकार ने इसको पारित किया। इस पूरे एम्स को अब कोविड के लिए हम रिलीफ सेंटर बना रहे हैं और यहां पर अब 500 बेड की शुरुआत थी, जो 30 बेड था, आज महाराज जी की बात होने के बाद महाराज जी ने इसको 500 बेड तक परिवर्तन किया। तो हम लोग फ्राइडे से 35 बेड शुरू कर देंगे, जो कि गोरखपुर के जनपद अगल बगल के ज़िलों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी कि एम्स जैसी संस्था अब कोविड पेशेंट को ट्रीट करेगी। तो ये हम लोगों के लिए एक आज बहुत ही राहत का एक समय है और मैं मतलब ये समय ऐसा दुखद है, लेकिन उसमें एक थोड़ी राहत हमको मिली कि अगर थर्ड वेव आ रही है, जैसे कि कहा जा रहा है कि अब ये दूसरी वेव के बाद तीसरी लहर भी आ रही, तो हम लोग अब पर्याप्त तैयार हैं। तो इस समस्त एम्स को जो 2000 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है जो बनी थी जनता के लिए, जनता के पैसों से प्रधानमंत्री जी ने बनवाया था, मुख्यमंत्री जी ने इसमें बड़ी मेहनत की थी, आज वो हमारे काम आ रही है। अब कोविड के लिए हम लोग यहाँ शुरुआत करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर समस्त गोरखपुर जनपद और अगल बगल के ज़िलों के लिए कि पूर्वांचल में एम्स अब कोविड के पेशेंट को ट्रीट करेगा और यहाँ के सारे जो दिग्गज डॉक्टर्स हैं अब उनके देखरेख में कोविड पेशेंट्स ट्रीट होंगे। और वो कैसे ऑक्सीजन होगा, कैसे ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, और सारी मीटिंग होगी और युद्ध स्तर पर इसको किया जाएगा। विद इन अ वीक इसको शुरू करने की तैयारी हो रही है।